धरती के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के परंपरा की झलक संजोए लोक गीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ मौसम हैं, मन बतियां हैं, मेले भी हैं और नदियां हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैया हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है, ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के धरती के गीत। श्रोताओं को असीम का नमस्कार। रोज मुलाकात हो रही है आपसे इस श्रृंखला कार्यक्रम में। परिचित हो रहे हैं हम अपने परिक्षेत्र की लोक संस्कृति से। लगता है कि आज भी हमारी संस्कृति बदली नहीं है। कितनी समृद्ध है हमारी ये सांस्कृतिक विरासत। आयाम जरूर बदले पर मूल भावना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समय के प्रभाव इस पर अवश्य पड़े। गायन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, शब्दों में हेर फेर हुआ, धुने प्रभावित हुई, लेकिन जो मूल भावना थी वो आज भी शायद वही है। जरूरत इस संस्कृति को सहेजने और उसके गौरवशाली पहलू को सामने लाने की है और आकाशवाणी की लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना इसी अभियान में जुटी है। ग्राम मनकरा रामपुर की मुस्लिम समुदाय की धोबी जाति, जिसमें नूरजहां, नूरबानो, भूरी, तस्लीमन और वहीदन के स्वर में हम उनके पारंपरिक संस्कार गीत सुन रहे हैं। परिवार में बालक का जन्म हुआ है। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तब नाते रिश्तेदार बधाई देने आते हैं। नाते रिश्तेदारों की इस भीड़ का स्वागत भी करना होता है। I am।
शादी विवाह के अवसर पर भाई अपनी बहन के घर भात लेकर आया है। बहन पूरे मन के साथ अपने भाई का स्वागत करने को आतुर है। वो चाहती है कि कोई कमी न रह जाए उसके भैया की अगवानी में। ये बन्नी गीत है, लाड़ो गीत भी इसे कहा जाता है। और पूछा जा रहा है बन्नी से कि उसका साज सिंगार किसने किया है, उसके केश जो इतनी खूबसूरती से संवारे गए हैं किसने उसके बाल बांधे हैं। I'm not.
जब निकाह के लिए दूल्हे को तैयार किया जाता है तब मुबारकबादी के रूप में इस गीत को गाया जाता है। ये बन्ना गीत है। अब आपको सुनवाते हैं एक सोहर। परिवार में बालक का जन्म हुआ है। वो स्त्री जो नवजात की माँ बनने वाली है वो अनुरोध कर रही है अपने पति से कि वो उसे उसके मैके ले चले। यहाँ पर अगर वो अपनी संतान को जन्म देगी तो उसे नेक में बहुत कुछ खर्च करना पड़ेगा। चला
माना जाता है कि विवाह के समय दूल्हा या दुल्हन दोनों को बहुत नजर लगती है। सभी उत्सुकता के साथ उनका साज सिंगार देखते हैं। दूल्हे को तैयार करते समय इस गीत को गाया जा रहा है। भाव है कि बनने को किसी की नजर न लगे। ये गीत सोहर है। इस गीत में जब बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चे की बुआ बहुत सारा सामान लेकर आई है। यही भाव इस जच्चा गीत में है। Ooh.
ये थे कुछ संस्कार गीत ग्राम मनकरा रामपुर में मुस्लिम समुदाय की धोबी जाति के नूरजहां, नूरबानो, भूरी, तस्लीमन और वहीदन के स्वर में। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा, आज आज्ञा दीजिए, नमस्कार। धरती की गीत।